जयनगर मधुबनी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल जयनगर प्रखंड इकाई के नई कमेटी का चुनाव स्थानीय प्लस टू हाई स्कूल मैदान में शिक्षक संघ के राज्य कमेटी के पदाधिकारियों की मौजूदगी देखरेख में संपन्न कराते हुए जयनगर प्रखंड अध्यक्ष पद पर पुनः शिक्षक विनोद कुमार यादव को मनोनीत किया गया, जबकि प्रधान सचिव पद पर शिक्षक मनोज कुमार प्रभाकर को चुना गया। मौके पर मौजूद प्रदेश सचिव धर्मेंद्र कुमार, जिला अध्यक्ष राजू यादव, प्रधान महासचिव पवन कुमार चौधरी, उपाध्यक्ष सुरेश कुमार यादव, मो अहमद हुसैन, जिला सचिव रमेश कुमार सिंह, पवन प्रसाद दास, जय प्रकाश, मोहन कुमार, जिला महिला प्रभारी श्रीमती गीता कुमारी के देखरेख में चुनाव कार्य संपन्न कराया गया। निर्वाचित अध्यक्ष विनोद कुमार यादव व प्रधान सचिव मनोज कुमार प्रभाकर ने संयुक्त रूप से बताया कि मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि संघ के मजबूती पर ध्यान देते हैं, शिक्षकों को विभाग से संबंधित किसी तरह की परेशानियों को विभागीय अधिकारियों से मिलकर त्वरित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि शिक्षकों के लंबित मांगों को लेकर संघ की ओर से हर संभव कोशिश कर निष्पादन के लिए मदद किया जाएगा। इस दौरान प्रखंड के विभिन्न मध्य व प्राथमिक विद्यालयों के दर्जनों की संख्या में शिक्षक मौजूद थे। अभी चुनाव हुई है शिक्षक संघ का, आपको पुनः अध्यक्ष पद पर मनोनीत किया गया है, क्या उम्मीद करें यहाँ का शिक्षक? बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ मूल का प्रखंड इकाई जयनगर का कल जो चुनाव हुआ उसमें शिक्षकों का स्नेह और प्यार जो मुझे प्राप्त हुआ, जितनी भी भारी से भारी संख्या में शिक्षकों की उपस्थिति हुई, वह स्नेह और प्यार शिक्षकों का मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और मुझे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। क्या बयान करूं, कुछ कम है, जो भी करूं वो कम है। लेकिन शिक्षकों की जो यहाँ जयनगर कार्यालय से संबंधित समस्याएं हैं उसमें मेरे पास जो शिक्षकों की संख्या जो उभर कर आए हैं और मुझे मत के द्वारा जो चुना गया है पुनः, उसमें मेरा पहला भूमिका होगा कि हमारे प्रखंड में चार शिक्षक जो अनुकंपा पर बहाल हुए थे उसका 1.5 साल का वेतन बकाया है। मेरा पहला कर्तव्य होगा कि 1 सप्ताह के भीतर उस चारों अनुकंपा का जो 1.5 साल का जो बकाया वेतन है उसे मैं 1 सप्ताह के भीतर निश्चित है कि पेमेंट करवा दूंगा, ये मेरा पहला वादा है। दूसरा है कि सेवा पुस्तिका संधारण के लिए जयनगर प्रखंड में इसका जमा हम लोग करा लिए हैं, वैसे कई सारे संख्या में हम लोग अधिक से अधिक संख्या में यानी 60% से ऊपर सेवा पुस्तिका का संधारण हो गया है, जो रेस्ट 40% बचा हुआ है। शिक्षक ये उम्मीद करे कि आपसे और भी काम जो भी लंबित उनका होगा वो आप पूरा करेंगे? जी 100%, इसलिए कि शिक्षकों का जो उम्मीद मेरे ऊपर जाता है मैं उस पर खड़ा उतरूंगा। क्या नाम हो गया? मेरा विनती है। क्या नाम हो गया आपका? मेरा विनोद कुमार यादव, बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक मूल प्रखंड इकाई जयनगर। जिनका चुनाव हुआ था मैं उसमें प्रधान सचिव के पद पर चुना गया हूँ और जो भी वादा मैंने शिक्षकों के बीच किया है मैं उनके वादा को पूरा करूंगा। जहां भी मैंने गया मुझे एक ही चीज सुनने को मिला कि हम लोगों का जो भी काम होता है वो टाइम पे नहीं होता है। मैंने के उनके बीच गया और मैं उनको बताया कि आपका जो भी समस्या होगा मैं संघ के माध्यम से 100 समय करने के लिए तत्पर हूं। और पहला जो बात, हमारे जयनगर प्रखंड में 4 ऐसे भी नियोजित शिक्षक है जो अनुकंपा पे बहाली हुआ है, उनका 16 महीने का बकाया वेतन बाकी है। मैं उनको यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि 1 सप्ताह के अंदर उनका अंतर वेतन का भुगतान हो जाएगा। जो भी एरियर इन लोगों का बाकी है एरियर मैं इनको भी 1 सप्ताह के अंदर निकालने का काम करूंगा। क्या नाम हो गया? मनोज कुमार प्रभाकर, मधुबनी बिहार ग्राम रक्षा दल जिला मधुबनी के जवानों की बैठक राजनगर गिरजा मंदिर राज मैदान के प्रांगण में प्रखंड अध्यक्ष रश्मित कुमार झा जी के अध्यक्षता में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में बिहार ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रसाद राउत जी भी उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए दल के प्रदेश अध्यक्ष श्री राउत ने कहा कि ग्राम रक्षा दल की लड़ाई अंतिम चरण पर है, यदि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले यदि हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम ग्राम रक्षा दल के जवान बिहार सरकार का जमकर विरोध करें, दूसरी तरफ यदि हमारी मांगों को पूरा किया जाता है तो हम ग्राम रक्षा दल के जवान पूरी ताकत के साथ बिहार सरकार का सहयोग करने के लिए भी तैयार हैं। बैठक समाप्ति के बाद राजनगर गिरजा मंदिर राज मैदान के प्रांगण में बिहार ग्राम रक्षा दल के उपस्थित जवानों के
द्वारा अपनी 11 सूत्री मांगों को पूरा करने हेतु मानव श्रृंखला का भी निर्माण कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किए। बैठक में प्रदेश मीडिया प्रभारी रामसागर राय, जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार यादव, प्रखंड अध्यक्ष शत्रुघ्न सदाया, अनिल पासवान, दिलीप कुमार राम, संदीप ठाकुर, महावीर ठाकुर अंभू मंडल, सरोज पासवान, विकास ठाकुर, दिनेश यादव, कुमोद नारायण झा, राम बाबू ठाकुर, राजेश सहनी, दिगंबर सदाय, बिजनाथ सा, सुरेंद्र पासवान सहित सैकड़ों जवान उपस्थित थे। आए मानव श्रृंखला बनाए हैं, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जो भी हमारे साथी हैं, मैं इस राजनगर का जो पवित्र भूमि है, गिरजा स्थान के प्रांगण से मैं नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहा हूं। यह जो मानव श्रृंखला है वो बिहार ग्राम रक्षा दल के द्वारा आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। इस बिहार के अंदर, इस देश के अंदर यदि कोई समस्या है तो वह बेरोजगारी की भी बहुत बड़ी समस्या है। तो हम ग्राम रक्षा दल के लोग बरसों से गांधीवादी आंदोलन के माध्यम से सूबे बिहार के अंदर हम लोग 11 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार सरकार को, बिहार सरकार के आदरणीय सभी माननीय मंत्री जी को, बिहार सरकार के सभी जो माननीय पदाधिकारी महोदय हैं उनका ध्यान को आकृष्ट करते आ रहे हैं। लेकिन ग्राम रक्षा दल का जो मांग है, जो उचित मांग है, जायज मांग है, बरसों पुरानी मांग है, उस मांग को अभी तक पूरा नहीं किया गया है। तो आज यह जो राजनगर का जो पवित्र भूमि है, मैं यहीं से प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं इस आंदोलन का शुभारंभ कर रहा हूं। यह मानव श्रृंखला का निर्माण करके पूरे बिहार के अंदर हम मानव श्रृंखला का निर्माण करके सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों का ध्यान को आकृष्ट करेंगे। हमारे जो माननीय
मुख्यमंत्री हैं, वो मानव श्रृंखला का निर्माण करके एक से एक इतिहास को रचने का काम किए हैं। तो आज मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं पुनः जो बिहार सरकार है, बिहार सरकार के मुखिया हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी से मैं आग्रह निवेदन प्रार्थना करता हूं कि आप एक से एक कार्यक्रम करके यदि इतिहास रचने का काम किए हैं तो ग्राम रक्षा दल का जो जायज मांग है, उचित मांग है, बरसों पुरानी मांग है, 11 सूत्री मांग को आप मान जाइए, मांग को पूरा करके एक इतिहास को रचने का आप काम कीजिए। आज आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं आग्रह निवेदन प्रार्थना करता हूं। अपना नाम बोल दीजिए। राम प्रसाद राव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार ग्राम रक्षा दल, बिहार प्रदेश। थैंक यू सर। अभी बोलिएगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो, भारत माता के जय हो। कैसे बोलो? जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल जिंदाबाद। कैसे बोलिए? जिंदाबाद, ग्राम रक्षा दल। कैसे बोले? जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम 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 मातरम। चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मातरम मातरम।